स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किसे किसे आप क्विक बटन का इस्तेमाल करेंगे रेडमी के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार तो मुझे उनका वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कोई एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्विक बॉल का ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये एक तरह से गेस्चर से, और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे मैं आपको फुल सेटिंग्स की बताने वाली हूँ। इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। अब देखिए आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्टेड शॉर्टकट का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देखिए सभी शॉर्टकट है कैसे यूज़ करना है, तो आप चाहे तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, साइलेंट ऑफ, रोटेशन, तो ये सभी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसको करते हैं बैक, कैसे यूज़ करना है इसको बैक करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्विक बॉल ये है, ये क्विक बॉल जैसे कि ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑप्शन नहीं है। देखिए अब ऑन करेंगे तो ये ऑप्शन जो है आ चुका है। इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, इधर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। देखिए इसको मूव करते हैं, अब इस पर क्लिक कर देंगे आप, देखिए मेनू बटन, इस पर क्लिक कर देंगे तो मेनू हो जाएगा। देखिए अब इस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पर फिर से आपको दिखाती हूँ, फिर से ये रहा, इसको यूज़ करना है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर मिनिमम देखिए इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये गेस्चर से पूरा ये बटन का काम करता है। देखिए लॉक पर कर देंगे, लॉक स्क्रीन, देखिए तो इस तरीके आपको यूज़ कर लेना है इसको। फिर से इस पर क्लिक करते हैं, देखिए फिर से इसको इनेबल करते हैं, फिर इस पर क्लिक करना है, ये रहा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिला है स्क्रीन शॉट का, देखिए इस पर क्लिक कर देंगे आप, ये स्क्रीन शॉट आ चुका। फिर से इस पर आप क्लिक कर देंगे आप तो ये बैक बटन, देखिए बैक काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर से ये एक तरह सा बिल्कुल गेस्चर की तरह काम कर रहा है, ये सभी सभी बटन का काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सभी सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पर इनेबल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको इनेबल करने के बाद डिसेबल करना चाहते हैं तो फिर से आपको इस पर क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूज़ कर लेना है, आप इनेबल कर लेना है, और आपको ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।